हो सकता हूँ सर? मैं चले नाश्ता करके आते हैं, आपसे मुलाकात हो गई आज। और सुनाए कैसे हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हालचाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज छोटी सी राइड पे निकले हैं, वैसे ही न्यू हेलमेट वगैरह वो लिया था, हेलमेट चेक करना था, साथ टॉप बॉक्स वगैरह लगा के वैसे ही थोड़ी सी राइड है। नाश्ता वगैरह करते हैं और लस्सी वगैरह पीते हैं थोड़ा सा। आज संडे का दिन है तो सोचा कि चलो सुबह सुबह हल्का फुल्का घूम के आ जाए। पहले मेरा फूड स्ट्रीट जाने का थोड़ा सा प्रोग्राम था, लेकिन उधर से कैंसिल करते हैं। इधर एक नाश्ता पॉइंट मैंने देखा हुआ है, काफ़ी रश होता है, लेकिन कभी टेस्ट नहीं किया उसका। वो सामने रश चेक करें आप। इधर चलते हैं और आई थिंक इधर से नाश्ता करते हैं। मैं आज आपको यहाँ पे करैक्टर से मिलवाता हूँ, अगर आप उन्हें पहचान ले तो। इट्स द नेम ऑफ परीजा ड्रामा, अगर आप परीजा देखते हैं तो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल चाल है? बिग फैन सर। बड़ा वीडियो बना रहे हो? जी सर। अच्छा, और सुनाए कैसे हैं आप? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं मोटर व्लॉगिंग करता हूँ, मोटर व्लॉग यूट्यूब पे। अच्छा, माशाल्लाह। जी जी, घूम लो पाकिस्तान। हमजा नाम है वैसे मेरा। हाँ, हंजा स्कर्दू नरान, ये सारे साइड वगैरह कवर की हुई हैं। आज वैसे ही निकला था छोटी सी राइड पे, तो मैं कहा चले नाश्ता करके आते हैं, आपसे मुलाकात हो गई आज। और सुनाए कैसे हैं आप? माशाल्लाह आपकी शायरी बहुत अच्छी है, आपका डायलॉग दिल पे असर करते हैं। और आप ठीक है? आप राज की बात बताइए, मैथ्स कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं। कितने सब्सक्राइबर हैं आपके? सर मेरे 2K ओनली। तो पैसे कितने आते हैं महीने के? अभी तो स्टार्ट है। अच्छा, अभी मुझे अभी 7 मंथ हुए हैं चैनल स्टार्ट किए। अच्छा, तो अभी सिर्फ इन्वेस्टमेंट हो रही है? अभी सिर्फ इन्वेस्टमेंट हो रही है। क्या मुस्तकबिल क्या देखते हैं? हाँ, मेहनत करें तो इंशाल्लाह। मैं पहले भी टूर कर रहा था, लेकिन उस टूर के अंदर ये हो रहा था कि मेरा मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई, लैपटॉप की मेमोरी फुल हो गई, तो फिर मैंने वैसे यूट्यूब चैनल बनाया कि चलो डाटा स्टोर होता रहेगा वहाँ पर। तो वो करते 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 फिर ऐसा दिल किया कि अच्छी वीडियोज़ होनी चाहिए उसके ऊपर। लेकिन आपके ना इनकम के लिए, इनकम आएगी इंशाल्लाह, कभी आएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल अपने लिए कर रहा हूँ। हंजा किया हुआ है, स्कर्दू किया हुआ है, नरान काफ़ी दफ़ा, कश्मीर किया हुआ है, इस कश्मीर करके आया हूँ। कैसे ऑपरेट करते हैं आप? बॉडी से ऑपरेट करते हैं, कैसे करते हैं? नहीं सही, अभी चल रहा है। ये से चल रहा है? जी जी, ये अभी ना रिकॉर्डिंग पे है। नहीं नहीं, ये आज वैसे ही पहले था टूर का प्रोग्राम, लेकिन थोड़ा सा पेट्रोल की वजह से भी थोड़ा सा अपना पहले होता था कि ये ज़रा सा सा ना सस्ता पड़ता था बाइक पे करना, बाकी की निस्बत अब नहीं पड़ रहा। अब नहीं पड़ रहा, इससे बेहतर है कि बंदा गाड़ी पे चला जाए। मैं मुकिल हो सकता हूँ सर? हेलो हेलो भाई, पूछ लो भाई। मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। सलीम भाई, वेरी नाइस सर, मेहरबानी, शुक्रिया। हदिया बेगार भाई, देर नहीं मांग रहे थी। नहीं नहीं कोई हदिया की और ये फाइनली नाश्ता आ गया और टॉप बॉक्स किस काम भी आता है।
शायद फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ इस तरह टॉप बॉक्स को। तो नाश्ता टेस्ट करते हैं और फिर आपके साथ शेयर करते हैं कि हमें कैसा लगा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। अनारकली के बिल्कुल सामने कुर्ते बाजार के साथ बाट साहब बैठे हुए हैं चने वाले, रश देख के रुका हूँ और माशाल्लाह मुलाकात भी होगी साथ। चने काफ़ी टेस्टी हैं, चने ऐसे हैं जिस तरह काली मिर्च में बनाए हुए हैं, नमक मसाला मतलब नॉर्मल है क्योंकि मज़ेदार है। मोस्टली मैं चिकन खाता नहीं, पर ये देसी मुर्गा है इसलिए मैं खा रहा हूँ। बाकी नाश्ता करते हैं उसके बाद मिलते हैं। चले भाई नाश्ता वगैरह कर लिया, अभी यहाँ पे स्कैम ये हुआ है कि मैंने पेमेंट कर दी है क्योंकि सिस्टम ही कोई नहीं है। ये देखें जिधर जिसका दिल कर रहा है नाश्ता लेके बैठ के खा रहा है और बाद में इनके बंदे पीछे पीछे भाग रहे हैं, यार आपका बिल हुआ है आपका बिल नहीं हुआ। हालांकि मैं पेमेंट दे के आया हूँ और दूसरा बंदा है गया जिससे मुझे नाश्ता दिया, वो कहता भाई आपका बिल नहीं हुआ। मैं कहा यार पहले पूछ के आओ जाके, वो पूछ के आया। मैंने हेलमेट पहन लिया हुआ था, उस बंदे ने मेरी शक्ल ही नहीं पहचानी, कहता नहीं हुआ बिल इसका। और किस्मत अच्छी थी कि उसने मुझे सारे 10-10 के नोट वापस किए थे 250 रुपये के। मैंने फिर उसे याद कराया, मैंने कहा भाई जान आपने मुझे अभी 250-250 रुपये के 100-100 के नोट, वो 10-10 के नोट दिए। फिर उसे याद आया, कहता हाँ 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 चलो ठीक है। चले नाश्ता मज़ेदार था, चिकन मैं ज़्यादा लाइक नहीं करता लेकिन अच्छा था क्योंकि देसी मुर्गा था इसलिए मैंने खा लिया। बाकी ये हमारी अखबार मार्केट आ जाती है, इधर अखबार वगैरह बिक रहा है जो यहाँ से सारा सप्लाई होता है। और ये अंदरून की गलियाँ आ जाती हैं, चेक करें ज़रा कितने कमाल की हैं, छोटी छोटी सी गलियाँ। इधर मैं वैसे ही आ गया हूँ, पता कि इधर मेरा काम कोई भी नहीं है, ऐवें ही आपको दिखाने के लिए। तो नहीं अब आ गए हैं तो अंदर घूम फिर के जाते हैं। हलवा पूड़ी चेक करें, छोटी छोटी गलियों के अंदर भी यहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। बेसिकली लस्सी पीने आए हैं और यहाँ से पूछते हैं इनसे जैदा लस्सी वाला किधर बैठा हुआ है। लस्सी पीने के लिए ना इतना ज़्यादा अंदर आया हूँ और वहाँ पे नाश्ता करने के बाद मैंने पानी भी नहीं पिया। ये सारी मार्केट है बेसिकली, और मार्केट होने की वजह से तकरीबन आज बंद है मार्केट। आपको दिखाता हूँ लस्सी, यह सामने आपको नज़र आ जाएगी। चलें पहले बाइक खड़ी करते हैं और फिर यहाँ पे जाकर लस्सी पीते हैं। हाँ ये कोई और शॉप थी लेकिन रश तो मुझे इधर भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आया, लेकिन मैंने आज बेसिकली जैदा ही ट्राई करना है क्योंकि लास्ट संडे मुझे ना मैंने लस्सी बाहर से पी थी गांव से, उसका इतना मज़ा नहीं आया। तो आज चलते हैं जेदे के पास, वो कहीं पीनी ही जेदे की है, देखते हैं वहाँ पे कितना को रश है। पता नहीं जेदा इधर बैठता है या आगे बैठता है, चलो पता कर लेते हैं जाके, क्योंकि उधर भी जितना रश होगा ना वो पता चल ही जाएगा। इसे बिल्कुल सीधा ही जाना है, रास्ता पूछते हैं।
अस्सलाम वालेकुम वीडियो वीडियो जेदा कथे बैठा लस्सी वाला उल्टे हाथ मेहरबानी चलें जी। मुझे ना काफ़ी लोग पूछते हैं, कहते हैं यार जिस वक्त आप रास्ता पूछते हो तो इस वक्त पंजाबी क्यों बोलते हो। मैं इन्हें ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा हमारा पंजाब है तो हमें पंजाबी बोलने पे फ़ख्र होना चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूँ पंजाबी की और मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ तेरी खैर, आप शायद आप समझ गए होंगे जेदा वाकई कोई चीज़ है। चलो जेदे के पास चलते हैं, लस्सी लगवाते हैं और फिर पीते हैं और ख़त्म ना हो गई हो तो। बहुत रश है यार। लाइन में लगते हैं, लस्सी लेते हैं, उसके बाद हाथ से मिलते हैं। रश काफ़ी ज़्यादा है, ये शॉप है, इधर से छोटे बच्चों को पैसे दे के भेजा, मैंने कहा यार दो ग्लास लस्सी ले के यार दोनों मिलके पी लेते हैं, रश बहुत ज़्यादा है। वो यहाँ का मकामी है तो क्या पता उसको जल्दी दे दें, तो बाकी अगर मैं जाता तो ऐसे वैसे कोई इसरात नहीं थे। बाकी दो घंटे लाइन में बचने के लिए ये छोटू, शुक्रिया यार बोल बहुत आपका। और ये क्या करें यार, ये लस्सी है। छोटे का बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने मुझे रास्ते बचा दिया, वरना बहुत गर्मी है, यकीन मानिए बस की हालत ख़राब है। और वो यहाँ का मुकामी दुकानदार है इसलिए उसको जल्दी मिल गई है, वरना पहले टोकन लो, टोकन लेने के बाद अंदर जाओ, उसके बाद वापस आओ। और ये खराब है, लस्सी पी रहा आराम के साथ, इधर मलाई नीचे बैठ गई है और उससे गिलास में मलाई ऊपर, दूसरे में ऊपर आ गई है। चलो कोई नहीं, जो किस्मत, बाकी लस्सी पी के टेस्ट करते हैं कैसी है। लस्सी ऐसी है, बस दही को हल्का सा उन्होंने बीट करके मलाई डाल के दे दिया है, ना दूध है ना पानी है, दूध ही ना डालता ये, बस ये खालस दही है, दही के ऊपर मलाई डाली हुई है और बस यही है। मलाई चेक करें ज़रा, और इसकी वजह से हमें ना जल्दी लस्सी मिल गई है, वरना डेढ़ दो घंटे पक्के थे यहाँ पे। ये मलाई है बहुत मज़ेदार है, आप भी तो पहले आ गई थी, खा भी लिया।
और ये नाश्ता वगैरह कर लिया, नाश्ता करके लस्सी वगैरह पी के बिल्कुल फ्री ख़त्म। और धूप काफ़ी निकल आई है, अब यहाँ पे वापस चलते हैं, जो लोग को एंड करते हैं। आज सर से मिला, बहुत अच्छा लगा, और जो घर से एक राइड का सोच के निकले था उससे बहुत अच्छी राइड हुई आज। तो चलते हैं यहाँ से, व्लॉग एंड करते हैं। भाई को दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। और लाजमी यार सब्सक्राइब करो, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो सब्सक्राइब लाजमी किया करो, और कमेंट्स एंड लाइक मस्ट है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।